किसान भाइयों राम राम, मैं हूँ राम के किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों राम राम, मैं हूँ राम के किसान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ। चलिए जानकारी को शुरू करते हैं। 82,000 रुपये किलो बिकने वाली सब्जी, जानिए क्यों है इसकी इतनी डिमांड एवं युवा किसान अमरेश की सफलता की कहानी। औरंगाबाद के एक युवा किसान ने भारत में दुनिया की सबसे महंगी सब्जी की खेती करके सबको चौंका दिया है। इस सब्जी की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 100 यूरो होती है, जिसे भारतीय करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो यह 82,000 रुपये होती है। इस महंगी सब्जी का नाम हॉप सूट्स है, जिसकी खेती औरंगाबाद जिले के करमडीह गाँव में अमरेश कुमार सिंह कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस महंगी सब्जी के बारे में। इस महंगी सब्जी का फूल भी निराला है। हॉप सूट्स नाम की इस हरी सब्जी का फूल काफ़ी अच्छा लगता है। इसके फूल को हॉप कॉर्न्स कहते हैं। 2 माह पहले लगाएं पौधे। अमरेश कुमार टायल के तौर पर हॉप सूट्स की खेती कर रहे हैं। उन्होंने 2 महीने पहले ही 5 कट्टा इसके पौधे लगाए। ये वाराणसी स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों की देखरेख में कर रहे हैं, जिसमें उनकी मदद कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर लाल कर रहे हैं। 2 माह पहले लगाए गए ये पौधे अब धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। बता दें कि देश में इस सब्जी की खेती प्रमाणिक रूप से कहीं नहीं होती है, लेकिन अमरेश जी ने इसके पौधे उगाकर सबको हैरान कर दिया है। बियर निर्माण में उपयोगी। उन्होंने बताया कि सब्जी का उपयोग सब्जी बनाने में नहीं बल्कि बियर बनाने में किया जाता है। यही वजह है कि सब्जी आपको बाज़ार में कहीं नहीं दिखाई देती है। वही एंटीबायोटिक दवाइयों के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह टीबी के इलाज के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है। हालांकि इसकी टहनियों का उपयोग आप सब्जी बनाने में कर सकते हैं। इसका उपयोग करके अचार भी बना सकते हैं, जो बेहद महंगा होता है। कैसे पकाया और खाया जाए। दुनिया की सबसे महंगी और बेहद हैरतअंगेज सब्जी के बारे में आखिर में यह भी जानिए कि इसे लोग कैसे खाते हैं। कई विधियों में सबसे सरल विधि यह है कि हॉप सूट्स को 2 से 3 मिनट तक पानी में उबालने के बाद पानी निकालकर इन्हें भाप में पकाया जाता है। फिर नर्म हॉप सूट्स को बटर या चीज़ सॉस के साथ लंच या डिनर में। यूरोपीय देशों में होती है खेती। इसकी खेती प्रायः यूरोपीय देशों में होती है। यह यहाँ के घने जंगलों में उगता है। ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश इसकी खेती करते हैं, जिसे बसंत के महीने में उगाया जाता है। भारत में भी अनुसंधान के तौर पर इसकी खेती की जा रही है, जिसके लिए सब्जी अनुसंधान संस्थान किसानों का सहयोग कर रहा है। जर्मनी से शुरू हुई इसकी खेती। इस सब्जी की विशेषता की भी लंबी लिस्ट है। इस सब्जी का इस्तेमाल दांत के दर्द, टीबी जैसी गंभीर बीमारी के इलाज में किया जाता है। सब्जी बनाने के अलावा लोग इसे कच्चा भी खाते हैं। इसकी टहनियां सॉफ्ट होती हैं, जिनका इस्तेमाल सलाद के तौर पर भी करते हैं। इसका अचार भी बनता है। कैसे होती है खेती। वैसे तो यह सदाबहार सब्जी है, जो हर साल भर उगाई जा सकती है, लेकिन ठंडी के मौसम को इसके लिए ठीक नहीं माना जाता है। मार्च से लेकर जून तक इसकी खेती के लिए आदर्श समय माना जाता है। इसके लिए नमी और सूर्य प्रकाश की जरूरत होती है। इस माहौल में इसका पौधा तेज़ी से बढ़ता है और एक दिन में इसकी टहनियाँ 6 इंच तक बढ़ जाती हैं। शुरुआत में इसकी टहनियाँ बैंगनी रंग की होती हैं, लेकिन बाद में हरी हो जाती हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। पता पोस्ट बैग 01 PGO जखनी वाराणसी उत्तर प्रदेश। आपका इस वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।